हाय स्टूडेंट, केन्ता अछ पिले? आउ सबू भल भल? तो पिले आज आमे कोर्स सिक्स रो तुम जिन थर्मल फिजिक्स थर्ड सेम रो यूनिट टू मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन रे पार्ट सेवेन वीडियो रे पढ़मु पिले एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। तो तार अंडर बहुत किछ अछे, तो आज आमे पार्ट सेवेन रे तीन टा पढ़मु, गुटे ला क्लासियस क्लापेरॉन इक्वेशन। बट पिले मुई तुम्हार पार्ट फाइव वीडियो रे क्लासियस क्लापेरॉन इक्वेशन पढ़े दिसे ना, जेना क्लासियस क्लापेरॉन लेटेन हिट इक्वेशन अच्छे, बुझी पालने सीटा एका है। तो यहाँ पार्ट फाइव भिडियो अच्छे। तो आज आम पढ़वा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी आउ टीडीएस इक्वेशन, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? तो मुझे तुमके डायरेक्ट नोट रू ही पढ़े दूचे, तो नोट रू तुम लिखी नब है, जिन जगह बुझी नहीं है तुम कमेंट कर, बुझी पार। तो चलो तो देख पिले पढ़वा आम कण एक्सप्रेसन पर सीपी माइनस सीवी जिन मेयर्स फॉर्मूला फॉर एन आइडियल गैस। तो गोटे भेंडर वाल गैस का पढ़ा, गोटे आइडियल गैस का पढ़ूँ, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? तो पिले देख, वी नो दैट सीपी इज इक्वल टू डक्यू बाय डट ई, जिनकी प्रेसर कन्स्टेंट रहा। यहाँ जदि तुम नहीं जानबार देन तुम मन रखी दि, देन तुम क्या मन रखी दि, फॉर्मूला है, फॉर्मूला मन रखी दि है, बुझी पार्छ कि? फॉर्मूला तुमके काना मन रखबाके पड़वा। तो देख थर्मल फिजिक्स बहुत 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 प्रैक्टिस करवाक पड़वा पिली, बुझी पाल कि? तो तुम सिलेबस वाइज एका पढ़ुचे, बुझी पाल कि? तो सीपी डक्यू बाय डट ई केन्ता कर तार भी डेरीभेसन अच्छे, बट तुम सिलेबस यहाँ नहीं ना, बुझी पाल कि? या मुझे तुमको क्वेश्चन तुम डायरेक्ट मन रखी दि, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? तो ये चलो, तो डक्यू यूज करें क्या जानू, टीडीएस जानी, हाँ सर जानी, बुझी पाल कि? यहाँ जानी थर्मोडायनामिक, फास्ट अफ थर्मोडायनामिक्रु आम बाहर कर डक्यू इज इक्वल टू काना टीडीएस। तो सीपी इज इक्वल टू काना टी मुई बाहर करदेली, बुझी पार्ल? सो डक्यू जगह काना लिख ली ड एस बाय डट ई प्रेसरटा कन्स्टा रहा, यहाँ है इक्वेशन वन, मन रखी थोड़ा है इक्वेशन वन। तापर सीभी फर्मुलाटा तुमको निजे मन रखबाके पड़वा, सीभी इज इक्वल टू डक्यू बाय डट ई, जेना तुम भल्यूमटा कन्स्टांट, यहाँ तुमको निजे मन रखबाके पड़वा, ये तुम प्राक्टिस कर है ओके। एवं डक्यूर भैल्यू पका मुझ टीडीएस, तो टी बाहर के लिखी डस बाय डट ई भी एमती लिखी पारि, हाँ सार आप लिखी पारे, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? देख पिले आम जानी, देख मुझ तुमको पढ़े भी थी काना ना, जेन एंट्रोपी एस इन अ परफेक्ट डिफरेन्सीआल, बुझी पार्ल कि नहीं? तो फंक्शन अफ टी एन भी, जदि फंक्शन अफ टी एन भी है बोले आम ताके किन हिसाब लिखी पार्मू, ये हिसाब लिखी पार्मू, गोटे जदि कह फंक्शन है बोले आम ये हिसाब लिखी पार्सूँ हाँ कि नहीं? तो ये फंक्शन अफ काण है, तो डेट इज लिखी पार्ब ना, लिखी पार्ब डेट इज फंक्शन अफ काण है टी आउ भी है, तो यहाँ के आम क्या ये हिसाब से लिखी पार्मू, हाँ सार लिखी पार्बे, मुझ तुमको पढ़े से आगरू भी हाँ कि नहीं? तो किए जदि कह फंक्शन है बोले ये हिसाब से आम लिखी पार्सूँ बोल कर पार्ट टू भिडे बोधे है, तो ये हिसाब से आम लिखी पार्मू है। तो गोटे कह जो फंक्शन है बोले डएस बाय डट ई भल्यूम टाइप वाटरटा कन्स्टांट रहा डी टी प्लस फेर डएस बाय ड भी तापर टीटा कन्स्टांट रहा देन डी भी, बुझेगा? एवं आम काण करमु ना डिवाइडिंग डी टी बोथ साइड करमु, तो इन्हें भी डी टी डिवाइड करमु, इन्हें भी करमु, इन्हें भी करमु, तो जिते बेले आम डिवाइड कर देनु, तो इन्हें डी टी बाय डी टी वन ही इन्हें डएस बाय डट ई है, देख इन्हें काण है डी भी बाय डी टी है, बुझी पार्ल कि? तो आम डिवाइडिंग कर देनु डी टी, तो यहाँ पेनु, तो यहाँ है इक्वेशन थ्री। एतक मोर कथा बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? पूरा सहजिया अच्छे, किसी भी डाउट नहीं ना, आगे बढ़मा चल। एबे आम कण जानू ना मैक्सवेल सेकंड थर्मोडायनामिक रिलेशन, यहाँ जानी पिले हाँ कि नहीं? जदि नहीं जानबार मन रख, यहाँ बुझी पार्ल कि? यहाँ है मैक्सवेल सेकंड थर्मोडायनामिक रिलेशन है, तो इक्वेशन फोर। एबे आम जेन इक्वेशन फोर पेन यहाँ इक्वेशन थ्री पुट करदेमु, आम इक्वेशन थ्री पुट करदेमु, बुझी पार्ल कि? जेन ड एस बाय ड भी जगह, बुझी पार्ल कि? तो सेम लिखली जिन जगार डएस बाय डी थी से जगह क्या डीपी बाय डी टी लिखीदेली, देख डीपी बाय डी टी लिखीदेली, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? एवं क्या करमु, देख मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टी, एवं मल्टीप्लाय करदेमु, इन्हें भी टी मल्टीप्लाय टी मल्टीप्लाय टी मल्टीप्लाय करदेली है, बुझीगला ओके। एवं देख पिले इक्वेशन वन यार भैल्यू के सीपी है बोधे इक्वेशन वन हाँ देख हाँ इक्वेशन वन देख यार भैल्यू के सीपी है, इटार भैल्यू के पिले सी भी है, तो से भैल्यू मैंने पुट कर देवी, एतक मोर कथा बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? तो इटार जगार सीपी रैल्यू, इटार जगार सीबी रैल्यू प्लस के प्लस जेनटा अच्छे से लिखीदेली,
बुझे पार ब्राकेट रे भी लिखि दी छै ठीक है बुझे आला हाँ कि नहीं एतके बुझे पार पे मोर कथा ओके सहजिया अच्छे हाँ सर दिस इज ऑल्सो नोन एज हिट कैपेसिटी इक्वेशन तो ये कण कहनी इक्वेशन फाइव के हिट कैपेसिटी इक्वेशन भी कह नाउ एवं बाहर करमु फॉर एन आइडियल गैस फॉर वन मोल तो आइडियल गैस का वन मोल का बाहर करमु तो फर्मूला कण पी भी इज इक्वल टू आर टी ए हाँ कि नहीं तो पी इज इक्वल टू आर टी बाय भी तो आम डिफरेंशिएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी तो जिते बेले आम डिफरेंशिएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी ये कण हाँ डपी बाय डी जेने कि वॉल्यूमटा कन्स्टांट आउ आर टी बाय भी तो जेहेतु विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर करछू तो यहाँ कण टी वाला है तो कण वन हो तो आर बाय भी हेबा मोर कथा बुझेगा ओके से भाया देख पी भी इज इक्वल टू आर टी है तो भी इज इक्वल टू मुझे कण लिखिपारि आर टी बाय पी लिखिपारि तो यहाँ के भी आम डिफरेनसीएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी रे तो जिते बेले आम यहाँ के डिफरेनसीएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी रे तो कण हाँ पिले ना डी बाय डी जेने कि तुम रहा वॉल्यूम कन्स्टांट आने तो टी अच्छे मैंने टीटा उड़ी जा तो रहा आर बाय पी रहा बुझिपाल डिफरेंशिएट कर जानी छ डी टी बाय डी टी के वन हेसी ना तो यहाँ के वन हो तो आर बाय पी रहा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फाइव तापर जेन जेन जगार तुम्हें डीपी डपी बाय डी देखु कि नहीं देखु डपी बाय डी से जगह मुझे क्या आर बाय भी लिखिपारि हाँ सार लिखिपारि बुझीला कि दुईटार वैल्यू बाहर करूँ है डी बाय डी जेन जगार देखु से जगह मुझे कहना आर बाय पी लिखिपारि हाँ सार लिखिपारि तो मुझे दुईटा वैल्यू इन पुट करदेवी एतक बुझी पार मोर कथा पूरा सहजिया अच्छे पूरा एक नंबर खाली प्रैक्टिस दरकार है रिविजन आउ प्रैक्टिस दुईटा जिनिस दरकार तुमको है स्टेप बाय स्टेप मन रखबार तो चलो तो किसी नहीं कर पीले वैल्यू खाली पुट करदेली बुझेगा तो सी पी इज इक्वल टू सी भी प्लस टी इंटू आर बाय भी डॉट आर बाय पी एतक बुझेगा देन मुझे कण करी देख तो सी भी प्लस टी आर इंटू आर आर स्क्वायर देन पी भी बुझिपाल कि नहीं ओके सी भी प्लस टी आर स्क्वायर एवं पी भी जो कण आर टी है तो ये पी भी जगह मुझे कणा लिखिपारि आर टी लिखिपारि हाँ सार लिखिपारि तो आर टी लिखिदेली तो इन टी टी कैनसल होने आर स्क्वायर आर कैनसल हो रहा कणा ना सी पी इज इक्वल टू सी भी प्लस आर रहा एवं मुझ सी भी के मुझे लेफ्ट साइड ना माइनस हो जा तो सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर इटा है दिस एभव एक्सप्रेसन इज नोन एज मेयर्स फर्मूला फॉर एन आइडियल गैस इटा है तुम आइडियल गैस का जी एवं देखमु आम वैन डर वाल्स गैस का जी कण जी देखमु बुझिपाल हाँ कि तो देख फॉर ए वैन डर वाल्स गैस अफ वन मोल तो गैस इक्वेशन यहाँ तुमके मन रखबा के पड़वा निजे प्रैक्टिस करबो निजे मन रखबो हला बुझिपाल हाँ कि नहीं तो ये गैस इक्वेशन के तुमके निजे मन रखबा के पड़वा तो पी प्लस ए बाय भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी तो एतक इज इक्वल कण यहाँ जब राइट साइड गला बेले कण डिवाइड हो जा तो यहाँ के देमु इक्वेशन वन बुझीला एवं देख इक्वेशन वन के डिफरेंशिएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी जेन कि तुम कन्स्टांट वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम कन्स्टांट वॉल्यूम भी कन्स्टांट ए भी कन्स्टांट तो कन्स्टांट डेरिवेटिव कण हाँ जीरो हाँ तो यहाँ कण हाँ डी बाय डी रहा जेने वॉल्यूम कन्स्टांट तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करूँ तो डी टी बाय डी टी कण वन हो तो आर बाय भी माइनस भी हाँ इतक मोर कथा बुझीपाल हाँ कि नहीं एवं देख से भाया इक्वेशन के आउ थे डिफरेंशिएट करमु टी सांगे जेने के कन्स्टांट प्रेसर हवा बुझिपाल कि नहीं इन वॉल्यूम कन्स्टांट थी इना कणा प्रेसर कन्स्टांट रहा बुझेगा यहाँ कन्स्टांट रहा तो ये कन्स्टांट डेरिवेटिव कण हाँ जीरो हवा तो आम ए बाय भी स्क्वायर डेरिवेटिव बाहर करमु आउ आर टी बाय भी माइनस बी डेरिवेटिव बाहर करमु तो यहाँ डेरिवेटिव इटा पीले बुझेगा कि नहीं हाँ कि नहीं तो यहाँ पूरा डायरेक्ट बुक अच्छे तो लिखि दी तो कैंता है जो बुझ बोले देख तो पी तो तुम कन्स्टांट रहा ए बाय भी स्क्वायर तो डेरिवेटिव फर्मूला पड़वा यू बाय भी फर्मूला पड़वा तो यू बाय भी फर्मूला कण भी स्क्वायर इंटू डी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाय डी एक्स बट आम विथ रेस्पेक्ट टू टी करूँ बुझिपाल कि नहीं सो भी इंटु ड ए बाय डी बुझेगा माइनस ए इंटु ड बाय डी इंटु भी स्क्वायर ब
बट आम विथ रेस्पेक्ट टू टी कर पार्सील डिफरेनसीएसन होगा पार्सील डिफरेनसीएसन जान तुम तो यहाँ कन्स्टांट है कन्स्टांट डेरिवेटिव जीरो है मैंने टर्म कण है पीले जीरो है बुझीपार हाँ कि नहीं भि स्क्वेर स्क्वेर हो जा क्या जी भि स्क्वेर अच्छे मोर कथा बुझीला माइनस के माइनस दे पीले एवं भि स्क्वेर डेरिवेटिव कण है टू भी है बट आम विथ रेस्पेक्ट टू टी ए करुँ बोले पार्सील डेरिवेटिव कण है डि बाय डी हाँ हाँ कि नहीं तो यहाँ भि टू दीपावार फोर हाँ भि स्क्वेर स्क्वेर काण भि टू दीपावार फोर हाँ तो इनर भि गोटे कैनसल होगा तो रहा कण पीले माइनस टू ए भि क्यूब डि बाय डी जेने कि तुम प्रेसरटा कण है कन्स्टांट है बुझीपार मोर कथ एक तो पीले मुझे डायरेक्ट लिखिदेली बुझीला कि जदि तुम बुझी नहीं पार्बार बेले तुम यहाँ भी लिखि पार जेहेतु आई होप तुम डेरिवेटिव जानिछ तो तुम डायरेक्ट ही लिखिदेव जदि नहीं जानवा बोले रफ्रे तुम डेरिवेटिव करब बुझीला एवं कण आम बाहर करमु ना आर टी बाय भि माइनस भि डेरिवेटिव करमु सेम फर्मुला यू बाय भि फर्मुला पुट करमु हाँ कि नहीं तो भि स्क्वेयर भि जगार अच्छे भि माइनस भि स्क्वेयर देन भि माइनस भि आर टी इंटू डेरिवेटिव अफ डी टी तो बुझीला कि हाँ कि नहीं एवं विथ रेस्पेक्ट टू टी ए तो कण आर ही जीवा बुझीपाल यहाँ इंडिविजुआल करदेमु एवं बुझीपाल कि नहीं देन भि माइनस भी यहाँ आर इंडिविजुआल ही जीवा देख बी तुम कण है कन्स्टांट है तो ई जगार ए आउ बी तो इन्हें कण बी तुम कन्स्टांट है तो कन्स्टांट डेरिवेटिव जीरो हेसी हाँ कि नहीं बुझीला पीले एतक बुझीपाल हाँ कि नहीं बुझीपाल तो इन भि माइनस भि स्क्वेयर अच्छे तो भि माइनस भी तो आर बाय भि माइनस भी माइनस आर टी डि भि बाय डी टी हाँ जिन तुम प्रेसरटा कन्स्टांट डिवाइड बाय भि माइनस भी लिखवाटा पास रोल तो लिखिदे बुझीला तो यहाँ के मुझे कण कली ना डायरेक्ट लिखिदेली तो डायरेक्ट कण लिखिदेली खाली माइनस वाला के खाली आगे लिखी दीछे है माइनस वाला के खाली आगे लिखी दीछे देख माइनस वाला के आगे लिखी देली देख हाँ कि नहीं माइनस वाला के आगे लिखी देली तापरे प्लस वाला तापरे प्लस वाला ओके एबे काना करमु चलो देख ई जन माइनस पार्ट अछि एटा के लेफ्ट साइड आले काना प्लस पार्ट हबा हिसाला हाँ सर हिसाला बुझीला एबे प्लस वाला आगे लिखी देमु तापरे माइनस वाला आगे लिखी देमु हाँ सर लिखी देनु जनता अछि हेंती बुझीला देख पीले इन्हें भी डबी बाय डी अच्छे इन्हें भी डबी बाय डी अच्छे प्रेसरटा कन्स्टांट अच्छे कमन जीवा हाँ सार जीवा तो कमन नेली पीले तो हेला एतकी हेला हाँ कि नहीं तो डबी बाय डी जेन कि प्रेसर कन्स्टांट इटा इक्वल टू के जदि राइट साइड है कण हो डिवाइड ही जीवा हाँ सार डिवाइड ही गला बुझीला हाँ कि नहीं बुझीला देख पीले आम जानी जे वी नो दैट सीपी एंड सीभी रिलेसन आगर आम सीपी आउ सीभी रिलेसन कण जानू देख CV प्लस CP इज इक्वल टू CV प्लस T इंटू डी बाय डी भि डी बाय डी पी के सार देख सोर कर पीले मन पकाओ केन आम पढ़ी देख आइडियल गैस पढ़ी देख केनटा इक्वेशन फाइव पढ़ी ना CP इज इक्वल टू CV प्लस T एतक पढ़ी ना इक्वेशन फाइव तो सेटा एखा मन पकाओ बोलूँ है कि नहीं तो मन पकाल तो लिखनु आम इटा बुझीपाल कि नहीं हाँ कि नहीं तो देख एवे आम भैल्यू बाहर करमु के तुमर डी बाय डी रो डी बाय डी रो तो डी बाय डी रो काना भैल्यू है इटा किनटा इटा आउ डी बाय डी रो भैल्यू किनटा पीले देख बाहर करीछू डी बाय डी रो भैल्यू बाहर करीछू बुझीपाल कि नहीं तो दुईटा के आम कण करमु पुट करदेमु कण करमु पीले पुट करदेमु तो देख पुट करदे सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस टी इंटू इटार भैल्यू इटा है इटार भैल्यू इटा है किनटा एतकी बुझीपाल तो मुझे पुट कर सारि नेक्स्ट देख पीले सब भैल्यू पुट कर सारापर देख कण है कही दूसरे ना आर इंटु आर आर स्क्वेयर भि माइनस बी इंटु भि माइनस बी रो स्क्वेयर बुझीपाल ये हाँ सार बुझीपार्मू तो सेम एका एका कल बुझीपाल दुईटा गुणन कर लिखिदेली देन वन माइनस से तलरू कण आर टी माइनस भी रो स्क्वेयर कण कली कमन काढ़ी आनली तो जिते बिल्कुल कमन काढ़ तो एमती हाँ वन माइनस टू ए बाय भि क्यूब आर टी बाय भि माइनस बी रो स्क्वेयर डिवाइड ही जीवा बुझीपाल हाँ कि नहीं तो इनु देख तुम आर आर कैनसल है टी टी कैनसल है भि माइनस बी रण कैनसल ही जीवा हाँ कि नहीं आउ जेन भि माइनस बी तले अच्छे से ऊपर पलि जीवा तो ऊपर पलि गला बुझीपाल मोर कथा हाँ कि नहीं तो लिखिपार भी आर इंटु वन देख इटा तले अच्छे तो देख वन बाय ए के आम लिखिपारमु ए टू दि पावर माइनस वन लिखिपारमु हाँ सार लिखिपारमु तो यहाँ के कण ई हिसाब से टू दि पावर माइनस वन फर्माट्रे लिखिपार भी हाँ सार लिखिपारमु तो लिखिदेली बुझीला हाँ कि नहीं एबे देख जेन कि तुम बी है कोवल्यूम है
जेन कॉन्स्टेंट बी के कहा जैसी को वॉल्यूम कहा जैसी आउ इटा बहुत स्मॉल है तुम्हार वॉल्यूम थारू बुझी पाल कि नहीं तो इटा के कारण नेगलेक्ट कर देमु आम नेगलेक्ट बी कर देमु तो बी के जदि नेगलेक्ट कर देले कारण है सीपी माइनस सी भी इक्वल टू आर इंटू भी के देख नेगलेक्ट कर देनी तो ये सब है बुझे हाला हाँ कि नहीं तो देख इन्हें भी क्यूब अच्छे भी स्क्वायर अच्छे तो कैंसल ही तो रहा कण सीपी माइनस सी भी इक्वल टू आर इंटू वन माइनस टू ए बाय भी आर टी टू दि पावर माइनस वन हाँ एवं देख बाइनोमियल थ्योरम जानी छो तो देख इटा है बाइनोमियल थ्योरम वन प्लस एक्स टू दि पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स इंटू एतकी है बट आम हायर पावर के कण करमु नेगलेक्ट करमु तो हायर पावर के नेगलेक्ट कर देली बुझी पार तो ये फॉर्मेट रे रहबा जदि माइनस वन अच्छे बोले एन जगह कण है माइनस वन हाँ तो सेम इथि आम बाइनोमियल थ्योरम पकई देनु बुझीला तो वन के वन लिख ली पीले इटा है वन बुझी पार कि नहीं इटा है एक्स बुझी पार वन के वन लिख ली माइनस के माइनस लिख ली एन कण है एन है तुम माइनस वन है तो एन है माइनस वन एक्स कण है देख ई फर्मूला का पड़ला बुझी पार कि नहीं एक्स है तुम टू ए बाय भी आर टी तो माइनस इंटू माइनस कण है प्लस है तो वन प्लस टू ए भी आर टी बुझीला हाँ कि नहीं तो यहाँ है तो सीपी माइनस सी भी इक्वल टू आर वन प्लस टू ए भी आर टी ये तुम वैन डर वाल गैस इक्वेशन रे है सीपी माइनस सी भी रिलेशन एतक बुझीला हाँ कि नहीं एतक बुझी पार चल तो यहाँ है तुम कण जेनेल मेयर्स फर्मूला फर एनी सब्सटेंस का यहाँ कण सीपी माइनस सी भी इक्वल टू टी जेन वाई स्क्वायर भी ई आई जेन टी है टेम्परेचर भी है वॉल्यूम ई आई है बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ई आई आउ इटा जेन गामा सॉरी इटा वाई नहीं सेटा गामा अल्फा बीटा गामा गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है इटा डायरेक्ट लिखी देव बुझेगा हाँ कि नहीं चलो ए जीमा आम टीडीएस इक्वेशन के है टीडीएस इक्वेशन के चलो तो टीडीएस इक्वेशन के चलो तो फॉर ए क्लोज सिस्टम व्हिच कंटेन्स ए प्योर कंप्रेसिबल सब्सटेंस एंड अंडरगोज ए रिवर्सिबल प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी रिटेन एज तो आम जानसू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो डी यू इज इक्वल टू कण है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है इक्वेशन वन दे दिव पिले बर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डी क्यू इक्वल टू आम जानसू टीडीएस तो पुट कर देवी डी यू इक्वल टू टीडीएस माइनस डी डब्ल्यू रैल्यू है पीडीएफ तो टीडीएस इज इक्वल टू कण है डी यू प्लस पीडीबी सॉरी पीडीएफ इज पीडीबी है तो यहाँ देव इक्वेशन टू तो यहाँ कह गेबिशियन इक्वेशन कह बुझीपाल बाकी आम एंथाल्पी जानी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी है हाँ कि नहीं तो यहाँ डेरिवेटिव जो कन बोले कण है डी एच प्लस डी यू प्लस पी डी भी प्लस भी डी पी है हाँ कि नहीं डी एच प्लस अच्छा एवं कण करमु देख आम जानसू जो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी है डी यू प्लस पी डी भी जगह मुझे टी डी एस लिखिदेली प्लस प्लस देली भी डी भी लिखिदेली बुझीपाल सो टी डी एस इज इक्वल टू कण है डी एच माइनस भी डी पी दे यहाँ है इक्वेशन थ्री इतक बुझीपाल नेक्स्ट अच्छा तो आम टू जिते बिल आम फास्ट टी डी एस इक्वेशन डिराइव करमु तो आम कण कनसीडर करमु लेट द एंट्रोपी एस टू बी ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम भी तो जेन एंट्रोपी अच्छे से फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आउ भी है तो मुझे यहाँ के डिफरेंशिएट जो करमु यहाँ के हवा एंती हवा जेतु फंक्शन ऑफ टी आउ भी है आम यहाँ के हिसाब से लिखी पार्मू हस लिखी पार्मु जदि यदि है जी जेहतु डिफरेन्सीएट बोले कण डी एस हवा बुझी पार कि नहीं आम कण करमु ना यहाँ दुईटार भैल्यू बाहर करमु तो ये दुईटा भैल्यू चलो बाहर करमु ये दुईटा भैल्यू चलो बाहर करमु तो कण द स्पेसीफिक हिट ऑफ ए कन्स्टांट वॉल्यूम सी भी सी भी कल जानसु डएस बाय डटी बाय तुम वॉल्यूमटा कन्स्टांट रहा टी है तो आमको कण दरकार डएस बाय डटी दरकार तो डएस बाय डटी जो कण है टीटा जो लेफ्ट साइड है तो सी भी बाय टी है बुझी पार कि नहीं यार भैल्यू बाहर करमु तो मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनामिक रिलेशन इज कलु जानसु डएस बाय डबी इज कलु कण डपी बाय डटी है तो दुईटार भैल्यू पी गुँ एवं इक्वेशन फोर में पुट करदेमु तो इक्वेशन इक्वेशन फोर बिकम्स कण है एतक हाँ सार हो बुझी पार टी के जदि मुझे लेफ्ट साइड नेली बोले कण है मल्टीप्लाई तो टी डी एस इज इक्वल टू सी भी डी टी प्लस डपी बाय डटी एस डी भी हाँ ये है फास्ट टी डी एस इक्वेशन है बुझीला नेक्स्ट सेकेंड टी डी एस इक्वेशन एमती आम कनसीडर करमु जे एंट्रोपी है फंक्शन ऑफ टी एंड प्रेशर पी ए तो यहाँ जो डिफरेन्सीएट करमु बोले यही हिसाब से लिखी पार्मू हाँ सार लिखी पार्मु एवं देख से बोले यटार भैल्यू आर यटार भैल्यू बाहर करमु तो चलो बाहर करमु तो यटार भैल्यू कण आम जानी सीपी इज कलु कण डएस बाय डटी
इंटू टी तो डॉस बाय डॉट इज इक्वल माना सीपी बाय टी हवा बुझिपाल आउ आम थार्ड रिलेसन रू जानी डबी बाय डॉट इ इज इक्वल टू माइनस डॉस बाय डॉपी तो डॉस बाय डॉपी इज इक्वल कौन माइनस डबी बाय डॉट इ हवा तो बैस ये दुईटा भैल्यू के दुईटा भैल्यू के आम कण करदेमु इन पुट करदेमु तो पुट करदेनु जे आम कण पेनु पिले ना डीएस इज इक्वल टू सीपी बाय टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डबी बाय डॉट इ डीपी पाइनु बुझीला एवं टी जदि लेफ्ट साइड गला बेले कण होगा मल्टीप्लाई तो यहाँ है तुम सेकेंड टी डी एस इक्वेशन एवं देख थर्ड टी डी एस इक्वेशन तो यहाँ भी आम एम कनसीडर करमु कण ना ये थर्ड इक्वेशन टी डिफरेंट अच्छे है तो प्राक्ट करवाके पड़वा है तो थर्ड टी डी एस इक्वेशन इज इक्वल टू मैंने बाहर करवाके लिए कण ना आम लेट नेमु जे एंट्रोपी है तुम फंक्शन ऑफ प्रेशर पी एंड वॉल्यूम भी तो यहाँ के आम इ हिसाब से लिखिदेमु डायरेक्ट यहाँ मन रख टी डी एस इज इक्वल टू बुझिपालगन जेन आम एम सिंप्लीफाई ना करूँ यहाँ है डायरेक्ट अच्छा एवं तापर आ टे सिंप्लीफाई करमु कण जी टे देख देख पहले इक्वेशन टू में आम कण बाहर करूँ ना टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी देख आम बाहर करूँ तुम कहटा ए देख जी टी डी एस इक्वेशन टू बाहर करूँ ना टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी बाहर करूँ ना तो सीटा है तो व्हेयर द इंटरनल एनर्जी यू इज अ फंक्शन अफ टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम भी तो यू है आम जानी इंटरनल एनर्जी कहार फंक्शन है टेम्परेचर टी आर वॉल्यूम भी यहाँ तो यहाँ जो डिफरेंशिएट करूँ मैंने ये हिसाब से लिखि पार्मु हाँ कि नहीं अच्छा एतकी है तापर डयू बाय डट इ रैल्यू के सी बी बाय टी हेसी बुझिपाल तो लिखिदेनु अच्छा एवं आम कण इक्वेशन पी पीथिन कण टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी पीथिन बुझिपाल आम कण पीथिन इक्वेशन टू इक्वेशन टू पीथिन टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी पीथिन तो डी यू रैल्यू कण है डी यू रैल्यू पेनु यहाँ डी यू रैल्यू पेनु एतकी तो डी यू रैल्यू मुझे लिखिदेली प्लस पी डी के पी डी देख इने भी डी अच्छे इन भी डी अच्छे तो कमन जावा तो जिते बिल कमन जामें पाइमु टी डी एस इज इक्वल टू एतकी पीजिमु तो मुझे तुम कण डायरेक्ट ही लिखिदेली बुझीला ओके से भाई आम इक्वेशन थ्री में कण पीथिन टी डी एस इज इक्वल टू डी एस माइनस पी डी पाइन देख पीले यहाँ पीथिन हाँ कि नहीं बुझिपाल तो एच कहार फंक्शन है जेन एंथाल्पी कहार फंक्शन है टी आउ पी रो कि नहीं अच्छा तो यहाँ के आम यही हिसाब से लिखि पार्मू आउ डो एच बाय डट इ रैल्यू कण है सीपी ए बुझिपाल कि नहीं तो यही हिसाब से लिखि पार्मु एवं देख आम इक्वेशन थ्री के लिखि पार्मु यही हिसाब से देख टी डी एस इज इक्वल टू डी एच बाय पी डी बी तो डी एच रैल्यू बाहर करूँ एतक बाहर बुझिपाल हाँ कि नहीं सीपी डी टी यहाँ है डी एच रैल्यू देन माइनस पी डी भि डी पी है पी हो भि डी पी बुझिपाल तो इन कण डीपी डीपी कमन आसवा तो मुझे डीपी के कण कमन नहीं गली तो एतकी है तो मुझे डायरेक्ट ही लिखिदेली तो इनु आम कण जानु पे इनु आम जानु जे द थ्री टी डी एस इक्वेशन इन थर्मोडायनामिक्स आर ऑल्सो नोन एज द एंट्रोपी रिलेसन बुझीला देख फास्ट टी डी एस इक्वेशन कहार कहार फंक्शन है ना टेम्परेचर आउ वॉल्यूम सेकेंड टी डी एस टेम्परेचर आउ प्रेशर थर्ड टी डी एस वॉल्यूम आउ सॉरी प्रेशर आउ वॉल्यूम बुझीला हाँ कि नहीं तो पिले यहाँ बार बार बारंबार प्रैक्टिस करो बुझीला कि नहीं आउ रिविजन करो बुझी पार मोर कथा हाँ कि नहीं।